के अंतर्गत ग्राम भटौदिया के लोगों ने किया चुनाव का बहिष्कार। ग्रामवासियों का कहना है कि उनके गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ना तो सड़कें हैं, ना ही बिजली है और ना ही पीने के पानी की ठीक से कोई व्यवस्था है। इस संबंध में ग्रामीणों द्वारा कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। नेताओं से लेकर अधिकारियों तक सभी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं। इस गाँव में बिजली के खम्भे तो लगे हैं, लेकिन बिजली नहीं आती, लेकिन हर महीने बिजली का बिल जरूर आता है। इतनी भीषण गर्मी में ग्रामवासी बिजली के कारण परेशान हो रहे हैं। वहीं हालात ये हैं कि कुछ लोग बीमारी से भी जूझ रहे हैं। अब बिजली ना होने के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ना ही नेता और ना ही अधिकारी इनकी सुनने को तैयार हैं। नेता वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन बाद में पीठ दिखाकर चले जाते हैं। अधिकारी भी कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देते। वर्तमान में जब अधिकारियों से बात की जाती है तो उन्हें आचार संहिता का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ दिया। अब इन समस्याओं से परेशान ग्रामवासी जाए तो जाए कहां, इसलिए सभी ने मिलकर लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। हमारा काम नहीं होगा तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमारी लाइट आ जाएगी, पानी आ जाएगा हमारे गांव पे जब हम वोट देंगे। इस बार हमने फैसला किया है कि हमारे ये दो काम नहीं होंगे, लाइट और पानी, तो हम वोट नहीं देंगे किसी को भी, चाहे कोई नेता आए, चाहे कोई सांसद आए, कोई भी आए। तो आपके जब तक कार्य नहीं होंगे तो आप पूरा गाँव किसी को वोट नहीं देगा? पूरा गाँव चुनाव का बहिष्कार करता है। इसका बहिष्कार करते हैं आप चुनाव? गर्मी के माहौल में कुछ बीमारी पड़ी है, जहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा, बीमार लोग भी पड़े हैं, लेकिन लाइट्स की सुविधा नहीं है तो काफी परेशानियां हो रही हैं। का पंखा होता है, उससे जो है उनको जो है घर के परिवार के लोग उनको जो है स्वस्थ रख रहे हैं।